Jesus says in John 14, 19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls a Prayer Festival Gujarat ka bahut swagat chhe. Jesus calls and God bless you. Yesu tumne bolave chhe ane Prabhu tumne aashirvad ape. This morning. Aaj ki subah. The Holy Spirit turned my heart to 2 Corinthians 9:8. As the blessing for every one of you. पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को दूसरा कुरंथी 9 और वचन 8 के लिए खोल दिया ताकि हम में से हर एक के लिए यह वचन आशीष का वचन ठहरे. Shall we listen to it? आइए हम इसे सुन लें. यहाँ लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. Here the Bible says, God will make everything abound and abound and abound. यहाँ पर पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर हर एक चीजों को हमारे जीवन में बहुतायत के साथ दे सकता है. The Bible says, Bible कहती है, God loves a cheerful giver. परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है. 2 Corinthians 9:7, the verse before that says that. और दूसरा कुरंथी 9:7 इसके पहले जो वचन है वह यही कहता है, God loves a cheerful giver. परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है. He who gives sparingly reaps sparingly. जो थोड़ा देता है वह थोड़ा ही काटता है. And he who sows generously shall reap generously by God. और जो बहुतायत के साथ या उदारता से देता है परमेश्वर के द्वारा उदारता से पाएगा. He who sows generously shall reap generously from God. जो उदारता के साथ बोएगा वो परमेश्वर की सहायता से उदारता से काटेगा. God loves a cheerful giver. परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है. You must know God loves you. आपको जानना है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. Because it is your offering which God uses to wipe away the tears of millions of people through the Jesus Calls ministry. क्योंकि यीशु बुलाता सेवकाई के माध्यम से वह आपका ही दान है जिसे परमेश्वर करोड़ों लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए काम में लाते हैं. With your offering, we build prayer towers after prayer towers. आपके दान से हमने एक के बाद एक प्रार्थना भवनों का निर्माण किया. We start television program after television program. एक के बाद एक टीवी कार्यक्रम हमने प्रारंभ किए. We print books after books. एक के बाद एक किताबें हमने छापी. We reply letters to the needs of the people which comes through email, letters and so on. और उन तमाम चिट्ठियां और ईमेल के हम जवाब देते हैं जो हमारे पास आते हैं. And we as a family lay hands on thousands and thousands of people from city to city praying for them. और एक परिवार के रूप में हम एक के बाद एक शहरों को जाकर के लोगों पर हाथ रख करके उनके लिए प्रार्थना करने पाते हैं. We travel from city to city. और हम एक के बाद एक दूसरे शहर में जाते हैं. State to state. राज्य के बाद राज्यों में जाते हैं. Nation to nation. देशों के बाद देशों में जाते हैं. Laying hands on thousands and lakhs and crores of people every year. और प्रतिवर्ष हजारों लाखों करोड़ों के ऊपर हम हाथ रख करके प्रार्थनाएं करते हैं. A few years ago. कुछ साल पहले. When my father had to go through much tribulation because of the ministry. जब सेवकाई के कारण से मेरे पिता को बहुत ज्यादा क्लेश सहना पड़ा था. Criticism. कटाक्ष सहने पड़े. Financial trouble. आर्थिक परेशानियां सहनी पड़ी. And his body became sick. और उनका शरीर जो था रोगी हो गया. He cried. तो वो रोने लगे. He said, "Oh Lord." उन्हें कहा, हे प्रभु. Where are you? तू कहाँ है? Why should I go through this agony? मैं सारे दुख से क्यों होकर के गुजरूं? I am giving my best to the people and to you. मैं तुझे और लोगों के लिए अपना सर्वोत्तम दे रहा हूँ.
Where are you? तो कहाँ है? Have I displeased you in anything? क्या किसी चीज में मैंने तुझे अप्रसन्न किया है? At that time. और उसी समय. Jesus appeared. यीशु वहाँ प्रकट हुए. Thank God, that's the only comfort a child of God can have. परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का एक बच्चा केवल उसी से ही सांत्वना पाता है. Jesus appeared. यीशु प्रकट हुए. And he said, my son. और उन्होंने कहा, मेरे बेटे. I love you. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. I love you. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. That changed everything for my father. और उसने मेरे पिता के लिए सब कुछ बदल दिया. And the Lord said. और प्रभु ने कहा. My son. मेरे बेटे. Who else do I have other than you? तेरे छोड़ मेरे पास और कौन है? Who else do I have in the world other than you? तेरे छोड़ इस संसार में मेरे पास कौन है? Who else do I have other than your family? तेरे परिवार के छोड़ इस संसार में दूसरा कौन है? In the midst of losing angel. एंजल को खोने के बावजूद भी. In the midst of all the financial tribulations. हर एक आर्थिक कठिनाइयों के बीच में भी. In the midst of the financial troubles of the ministry. सेवकाई में हर एक प्रकार की आर्थिक विपन्नता के बावजूद. In the midst of the wicked people's wicked words. और दुष्ट लोगों के बुरे शब्दों को सुनने के बावजूद भी. You are still standing up before the thousands and lakhs of people and saying, Jesus Christ is a good God. अभी भी तू लाखों के सामने खड़ा होकर के यही कहता है, यीशु मसीह भला परमेश्वर है. You are carrying my cross. तू मेरे क्रूस को उठाए लिए चल रहा है. And you are following me faithfully. और विश्वास योग्यता से मेरे पीछे चल रहा है. And because of that, I am able to wipe away the tears of millions of people. और उसके कारण से मैं करोड़ों लोगों के आंसुओं को आज पोंछने पा रहा हूँ. How can I be displeased with you? मैं कैसे तुझसे अप्रसन्न हो सकता हूँ? I love you, Dinakaran. Dinakaran, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. Whom else do I have in this world other than you, Dinakaran? Dinakaran, इस संसार में तेरे छोड़ मेरे लिए और कौन है? God's comfort came into his spirit. तब उनकी आत्मा में परमेश्वर की शांति आ गई. And he rose up again. और वो फिर से खड़े हुए. And today. और आज. God has blessed us, his children. हम उनके संतानों को प्रभु ने आशीष दी है. And God has blessed our children. और हमारी संतानों को भी उसने आशीष दी है. And how much God has blessed the people. Who supported the ministry. और कितना ज्यादा सेवकाई के सहयोगियों को भी प्रभु ने आशीष दिया है. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं. He will not forget you. वो आपको नहीं भूलेंगे. He says today. आज वो कहता है. You have abounded in every good work. तुम हर एक भले कामों में बहुतायत के साथ बढ़े. I am going to make you abound with every blessing. और अब मैं तुम्हें हर एक आशीषों में भी ऐसे ही बढ़ाता जाऊंगा. You are a generous, cheerful giver. तुम एक हर्ष से देने वाले उदार दाता हो. In the midst of all your personal problems, you have given yourself. अपने हर एक परेशानियों के बीच में भी तुमने अपने आप को दिया है. So from today, इसलिए आज से, I am going to make you abound. मैं तुम्हें बहुतायत के साथ बढ़ाऊंगा. Abound. और बहुतायत से बढ़ाऊंगा. Shall we all shout abound? आइए हम सब जोर से कहें, बहुतायत के साथ बढ़ना. Say it again, you're going to get it. फिर से आप एक बार कहें, बहुतायत, और आप उसे प्राप्त करेंगे. In everything. हर एक बातों में बहुतायत को. Say it in everything. कहिए, हर एक बातों में बहुतायत को मैं पाऊंगा या पाऊंगी. In everything you're going to abound. आप हर एक अच्छी बातों में, हर एक बातों में बहुतायत के साथ बढ़ेंगे. That's the blessing the Holy Spirit told me that He is sending upon you this morning. और यही वह आशीष है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आज की सुबह वह आपको दे रहा है. From this morning, 2 Corinthians 9:8 will be fulfilled in your life. आज सुबह से ही यह दूसरा कुरंथी 9 का 8वां वचन आपके जीवन में पूरा होता चला जाएगा. What are the things that are going to abound in you? तो वे कौन सी बातें हैं जो आप में बहुतायत के साथ बढ़ेंगी? The Bible says in Romans 5 and verse 20. रोमियो 5 और उसके 20 वचन में बाइबल जो है हमें बताती है. Where sin abounds, grace abounds also. जहां पाप बहुतायत के साथ बढ़ता है, वहां अनुग्रह भी बहुतायत के साथ होता है. As long as we are in this world, जब तक हम इस संसार में हैं, sin will follow us. पाप हमारे पीछे आएगा. Sin will come behind us. पाप हमारे पीछे पीछे आएगा. To take us away from God. ताकि हमें परमेश्वर से दूर ले जाए.
Some partners कुछ जो सहभागी हैं support the ministry for some time कुछ समय के लिए ही सेवकाई की सहायता करते हैं but लेकिन unfortunately they fall to sin दुर्भाग्य से वे जो है पाप के शिकार हो जाते their connection with God और वे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को रोक देते हैं but today the Lord says लेकिन आज प्रभु कहता है where sin comes जहां भी पाप आएगा I will make my grace to abound. मैं अपने अनुग्रह को वहां पर बढ़ाऊंगा. God's grace will cover you. परमेश्वर का अनुग्रह आपको ढांप लेगा. And sin will not digest you. और पाप आपको हजम न करने पाएगा. Sin will not overcome you. पाप आप पर जयवंत नहीं हो पाएगा. Many years ago, कई साल पहले की बात है, when my father went through much tribulation, जब मेरे पिता नाना प्रकार के क्लेशों से होकर के गुजरे, the Holy Spirit came to encourage him. पवित्र आत्मा उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए आया था. Romans 8:26 says, रोमियो 8:26 जो है कहता है, the Holy Spirit helps us in our weaknesses. पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है. And the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा, my son, मेरे बेटे, come, आ. And he lifted him up to heaven. और पवित्र आत्मा उन्हें स्वर्ग में उठा करके ले गया. And my father, by the power of the Holy Spirit, could recognize Jonah in heaven. और मेरे पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा स्वर्ग में योना को देख करके पहचान गए. Without the Holy Spirit, nobody can understand the things of heaven. बिना पवित्र आत्मा के कोई भी स्वर्ग की बातों को पहचान जान नहीं सकता. You cannot just walk into heaven, see everybody, shake hands and all. It is all glorious. आप यूं ही जा करके वहां हर एक किसी से मिल नहीं सकते, हाथ नहीं मिला सकते, वह तो महिमावान है. Some people say I went to heaven, I had tea with the angels and so on. कुछ लोग कहते हैं मैं स्वर्ग गया या गई और वहां मैंने स्वर्गदूतों के साथ चाय नाश्ता किया था आदि आदि. Heaven is not cheap. स्वर्ग जो है इतना सस्ता नहीं है. Heaven is not a tea stall. स्वर्ग जो है कोई चाय की दुकान नहीं. It is where God dwells. ये वह स्थान है जहाँ परमेश्वर निवास करता है. Almighty God controls everything Himself. सर्व सामर्थी परमेश्वर स्वयं हर एक बातों को वहाँ से नियंत्रित करता है. But thank God for the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करें. He helps us in our weaknesses. वह हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है. He opens heaven. और वह स्वर्ग को खोलता है. And through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मार्फत ही God enabled my father to hear Jonah speak to my father. परमेश्वर ने ऐसा किया कि मेरे पिता जो थे योना की बात को सुन सके. उन्होंने उससे कहा. It was only the Holy Spirit speaking through him. और ये केवल पवित्र आत्मा था जो उनके द्वारा बात कर रहा था. And Jonah said. और योना ने उनसे कहा. दिनाकरन. When I disobeyed God. जब मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना. I was thrown into the belly of the fish. तब मुझे उस मछली के पेट के अंदर फेंक दिया गया. And the fish thought I was food for it. और मछली ने सोचा कि मैं तो उसके लिए एक भोजन या चारा ही हूँ. And the digestive acids of the fish came to digest me, thinking I am food. और मछली के पेट से पाचन करने वाले जो रस है मुझे भोजन समझ करके अपना पचाने के लिए आए. It started burning. और वो मुझे जलने लगा. The acid was burning. जो रसायन था अम्ल था वो मुझे जलाने लगा. And as found in Jonah 2:3, और जैसा कि योना 2:3 में मिलता है, I cried from the depths of the sea. मैं समुद्र की गहराई से परमेश्वर को पुकारने लगा. Even though I was in the depths, जो भी मैं उतने गहरे में था, because of my disobedience, मेरे अनाज्ञाकारिता के कारण, even though I cried, जो भी मैं रो रहा था, God heard my cry. परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुना. Because I was a chosen vessel. क्योंकि मैं एक चुना हुआ पात्र था. Even though I was disobedient, yet God loved me. जो भी मैं अनाज्ञाकारी था, तो भी परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया. When I cried, और जब मैंने उसे पुकारा, something like a covering came around me. अचानक ही कुछ एक प्रकार का आवरण मेरे चारों ओर आ गया. And I could see it. और मैं उसे देख सकता था. It was the grace of God. वह परमेश्वर का अनुग्रह था. It came like a tangible covering around me. वह तो एक नरम ओढ़ने के समान मेरे चारों ओर आ गया. It covered me. और मुझे पूरी तरह ढांप लिया. And the digestive acids came. और तब पाचक अम्ल जो है मेरे ऊपर आ गया. And the grace of God stopped it. और परमेश्वर के अनुग्रह ने उसके कार्य को पूरी तरह रोक दिया. The digestive acids could not
devour me or digest me. और जो पाचक अम्ल है ना मुझे नाश कर ना सके और ना वो मुझे पचा सके. At the right time, the fish vomited me and I came out. और सही समय पर उस मछली ने मुझे उगला और मैं बाहर आ गया. And my sin was forgiven. मेरा पाप तो क्षमा हो गया. God made me walk through the city. परमेश्वर ने मुझे शहर के बीच से होने जाने दिया. And everyone in the city, from the king to the last man, repented of their sins. और उस शहर का राजा से लेकर के सबसे छोटा व्यक्ति जो है, उसने यहोवा से पश्चाताप किया. God gave me the whole city. परमेश्वर ने उस पूरे शहर को मुझे दे दिया. Where sin abounds, जहां भी पाप बढ़ता है, grace abounds, वहां अनुग्रह भी बढ़ता है. Grace abounds. वहाँ अनुग्रह भी बढ़ता है. And Jonah said. और योना ने कहा. दिनाकरन. How faithfully you are serving God. तुम कितने विश्वास योग्यता से ईश्वर की सेवा में हो. If God can give grace to the sinner and yet use him to touch the city, how much more grace God will give you. अगर परमेश्वर एक पापी को अनुग्रह दे करके उसे इस्तेमाल कर सकता है एक शहर को छूने के लिए, तो परमेश्वर तुम्हें और कितना ज्यादा अपने लिए काम में न लाएगा. Today you may be crying because of your weaknesses in your spirit, in your life. आज हो सकता है अपनी आत्मा में, अपने जीवन में, अपने कमजोरियों के कारण से तुम रो रहे होगे. You may say, I am a partner, but still my life is not right with God. आप कह सकते हैं, मैं तो एक सहभागी हूं, लेकिन मेरा जीवन जो है परमेश्वर के साथ सही नहीं है. My family members are not with God. मेरे परिवार के सदस्य जो परमेश्वर के साथ नहीं है. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. He will send his grace of forgiveness. वह अपने क्षमा करने का अनुग्रह आपके लिए भेजेगा. And sin will be gone from your family. और आपके परिवार से पाप दूर हो जाएगा. And you will come out. और आप बाहर निकलेंगे. As a family, you'll be a blessing to many people and bring them out of sin. और परिवार के रूप में आप एक आशीष बनकर के बहुतों को पाप से बाहर निकाल लेंगे. Your village will be blessed through you. आपके द्वारा आपका गांव आशीषित होगा. They will all find the Lord Jesus. और वे सब के सब प्रभु यीशु को जानेंगे. God loves you, a cheerful giver. आप हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है. This morning the grace is abounding. आज सुबह वह अनुग्रह बढ़ रहा है. You are under grace, so no sin can have dominion over you. आप अनुग्रह के अधीन हैं, इसलिए कोई भी पाप आपके ऊपर में वह राज नहीं कर सकता. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. Shall we close our eyes and look up to God? आइए हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर को निहारें. The mighty presence of God Almighty is with us. सर्व सामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में यहाँ पर है. Thank you, wonderful Holy Spirit. धन्यवाद अद्भुत पवित्र आत्मा. The glory of God is coming upon us right now. परमेश्वर की महिमा भी हम पर आ रही है. The abounding grace. वह बहुतायत का अनुग्रह आ रहा है. Abounding love. वह बहुतायत का प्रेम आ रहा है. Abounding comfort. बहुतायत की शांति आ रही है. Abounding faith. बहुतायत का विश्वास आ रहा है. Abounding prosperity. बहुतायत की संपन्नता आ रही है. Abounding fear of God. और परमेश्वर का बहुतायत का भय आ रहा है. It's coming upon every one of us. वो हम में से हर एक पर समय उतर रहा है. To abound God's reward in our lives. कि हमारे जीवनों में परमेश्वर के इनाम को बहुतायत से बढ़ाए. Would you praise the Lord? क्या आप परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे? Would you praise the Lord? क्या आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे? Would you praise the Lord? क्या आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे? Open your heart and praise the Lord. अपना हृदय खोल करके उसकी स्तुति करें. Believe. विश्वास करें. God is going to make everything abound. परमेश्वर हर एक चीजों को बहुतायत से बढ़ाएगा. Do you believe that? क्या आपको यह विश्वास है? Open your heart and say thank you, Jesus. अपना हृदय खोल करके कहे धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. I believe. मैं विश्वास करता हूँ. I receive. मैं स्वीकारता हूँ. Thank you for loving me, a cheerful giver, Lord. मुझ हर्ष से देने वाले से प्रेम करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. He is transforming us into the image of Jesus. वह हमें यीशु के सदृश्यता में बदल रहा है. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. For transforming everybody into the image of Jesus. हर एक को यीशु के समानता सदृश्यता में बदलने के लिए. As Jesus was reverent to his father. जैसे यीशु अपने पिता के लिए आदरणीय था.
All of us shall be reverent to God. वैसे ही हम भी परमेश्वर के प्रति आदरणीय बन करके रहें। Thank you, Lord, for that grace that is coming. धन्यवाद प्रभु जी उस अनुग्रह के लिए जो आ रहा है। God is filling us now. प्रभु हमें समय भर रहे हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Every family will have the reverence for God. हर एक परिवार में परमेश्वर के लिए आदर होगा। And the children shall prosper. और बच्चे जो है उन्नत होंगे। Lord bless the children. प्रभु जी बच्चों को आशीष दें। With very high marks. उच्च अंकों के साथ। Very high marks. बहुत उच्च अंकों के साथ। Let them have good jobs. वे अच्छी नौकरियां पाएं। Wonderful partners in life. और जीवन में अद्भुत जीवन साथी प्राप्त करें। Bless them. आशीष दें। Bless them. आशीष दें। As a family, परिवार के रूप में honor them, Lord. उनका आदर करें प्रभु। Honor them, Lord. उनका आदर करें प्रभु। Whoever is doing your ministry, जो कोई आपकी सेवकाई में है। Whoever is giving their lives to serve you, जो कोई अपना जीवन आपकी सेवा करने के लिए अर्पित कर रहे हैं। Along with your jobs, अपने कार्यों के साथ भी। Along with your family life, अपने पारिवारिक जीवन के साथ। Bless them. उन्हें आशीष दें। Bless them. उन्हें आशीष दें। Use them mightily for your glory. अपनी महिमा के लिए उन्हें सामर्थ के साथ काम में लाएं। Let peace prevail in every family. हर एक परिवार में शांति कायम हो। Let everything come to them 100 times. और हर एक चीज़ उनके जीवन में 100 गुना आ जाए। Thank you for blessing your people. धन्यवाद आपके लोगों को आशीष देने के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। God has come into you, my friends. मेरे मित्रों परमेश्वर आपके अंदर आए हैं। The Lord has come into your family. आपके परिवार के अंदर प्रभु आए हैं। And as He blessed Obed-Edom. और जिस तरह से उन्हें ओबेद-एदम को आशीष दी। As Obed-Edom was blessed. जैसे ओबेद-एदम आशीषित हुए। And his family was blessed. और उनका परिवार आशीषित हुआ। Everyone in his home was blessed. उनके घर का हर एक आशीषित हुआ। Every staff was blessed. हर एक स्टाफ आशीषित हुआ। And everything that he had was blessed. और जो कुछ उनके पास था वह सब आशीषित हुआ। God is blessing you and all that you have. परमेश्वर आपको और आपके पास जो है उन सबको आशीष दे रहा है। From today the blessings will abound. आज से लेकर के हर एक आशीष बहुतायत से बढ़ती जाएंगी। Father, पिताजी, whoever is sick in his or her body, जो कोई भी अपने शरीरों में रोगी है इस समय, please heal them, Lord. मेहरबानी से चंगा करें प्रभु। Heal them, Master. स्वामी आप उन्हें चंगा करें। Touch. उन्हें स्पर्श करें। Lay your hands on every sick body. अपने हाथ को हर एक रोगी शरीर पर रखें। And heal them, Lord. और उन्हें चंगा करें प्रभु। Let them have new organs from you, Lord Jesus, this morning. और आज की सुबह प्रभु जी वो आपसे नए अंगों को अपने शरीरों में प्राप्त करें। Let every weakness go. हर एक कमजोरी जाती रहे। Let there be miracles. और चमत्कार हो। Thank you for doing it. धन्यवाद ऐसा करने के लिए। The Lord is with us. प्रभु हमारे साथ है। Shall we open our hearts and say thank you, Jesus? आइए हम अपने हृदय को खोल करके कहें धन्यवाद यीशु। Look at his face and say thank you, Jesus. उसके चेहरे को देख करके कहें धन्यवाद यीशु। Thank you for blessing me today. आज मुझे आशीष देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। Thank you for the grace of God that is coming with me. परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जो मेरे साथ आ जा रहा है आपका धन्यवाद करता हूँ करती हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।